What's up guys, this is John, welcome back to this video. So guys, in this video I am gonna show you how to install Range Rover in GTA 5. So बिना किसी देरी के वीडियो करते ही स्टार्ट. तो सबसे पहले आपको ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है. यहाँ इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से सिंपली इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड करने के बाद आपको एक zip फाइल मिल जाएगी कुछ इस तरीके से. इसे हमेशा की तरह एक्सट्रैक्ट कर लेना. मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फाइल मिल जाएगी, उसको ओपन करना है. ओपन करने के बाद आपको ये वाला फोल्डर ओपन करना है और इसमें एड ऑन वाले फोल्डर में जाना है और ये वाला फोल्डर आपको जो DLC पैक वाला फोल्डर दिख रहा है इसको कॉपी करना है आपको. ठीक है, कॉपी करके अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में जाना है. उसके बाद यहाँ मैं डायरेक्टरी खोल रहा हूँ. यहाँ पर आने के बाद आपको मॉड फोल्डर में जाना है, अपडेट वाले फोल्डर में जाना है, X64 फोल्डर में जाना है, DLC पैक में जाना है और ये वाली जो फाइल कॉपी करना है इसमें सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है. ठीक है, इस DLC पैक वाले फोल्डर में. इतना करने के बाद हमारा जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. अब बारी आती है इसकी लिंकिंग प्रोसेस करना. ठीक है, तो इसके लिए हमें ओपन आईवी की ज़रूरत पड़ेगी. हम ओपन आईवी खोल लेते हैं यहाँ से और यहाँ के रीडमी वाला ऑप्शन खोलना और ये वाली जो DLC पैक की लाइन है इसको कॉपी कर लेना Ctrl+C से. न करने के बाद आपको ओपन आईवी को ओपन करना है, इसको एडिट मोड को ऑन कर लेना है और मोड वाले फोल्डर में आना है और update.rpf कॉमन डेटा और यहाँ पे फाइंड आउट करना है DLC list.xml. इसको राइट क्लिक करके एडिट करना है. ओपन करने के बाद आपको इस वाली जगह पे आना है. यहाँ पे देखो मैंने पहले से ये वाली फाइल मैंने इंस्टॉल करके रखी है तो मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ. आपको सिंपली यही वाली कॉपी यहाँ इस लोकेशन पे कर देना है. ठीक है, इतना करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और इतना प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है. लेकिन एक और फाइल आपको इंस्टॉल करना है, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे रिप्लेस वाला. ठीक है, इसके वो रेडमी वाला ऑप्शन खोलेंगे और लोकेशन देख लेना कहाँ पर रिप्लेस करना है. ठीक है, इसके लिए ही हमें ओपन आईवी की ज़रूरत पड़ेगी. इसको ओपन कर लेना है. मैंने दोबारा ओपन किया यार, बंद कर दिया. ठीक है, यहाँ पे ओपन है, एडिट मोड को ऑन कर लेना है. उससे पहले इतना करने के बाद आपको देखो ये वाली लोकेशन पे सबसे पहले तो जाना है GTA 5 मॉड वाले फोल्डर, अपडेट, X64, DLC पैक और यहाँ पे आपको फोन फाइंड आउट करना है पैच डेट 24 एनजी. ओपन करना है DLC.rpf और यहाँ पे X64 पे आना है, लेवल्स, पैच डेट 24 एनजी, व्हीकल मोड, पैच डेट 24 पे आने के बाद DLC पैक में, सॉरी यहाँ GTA 5 में आना है, vehicle.rpf में आना है और यहाँ पे ये वाली फाइल जो है ऊपर की तीन फाइल है इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने इस वाले फोल्डर में जहाँ पर मैंने बताया. इतना करने के बाद हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है. एक गेम में चल के देखते हैं कि हमारी जो कार रेंज रोवर वो जो है वहाँ पे इंस्टॉल हुई है या नहीं. सो गाइस, गेम में आने के बाद अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन करना है F8 प्रेस करके और हमें थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है व्हीकल ऑप्शन में, फिर व्हीकल स्पॉनर में और फिर लास्ट में आना हमके इनपुट मॉडल में और हमें यहाँ गाड़ी की जो भी इनपुट मॉडल है उसको हमें एंटर कर देना है. यहाँ पे मैं एंटर कर दे रहा हूँ. एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी रेंज रोवर GTA 5 में आ चुकी है. सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट डाउन में जरूर बता देना अगली वीडियो में कौन सी कार को हम अपने GTA 5 में इंस्टॉल करें. तब तक के लिए बाय बाय.